तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लुविकवाई व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन पर अपने फ्लावर इन द फॉग टेक्निक का यूज करता है, लेकिन व्हाइट क्रेन बहुत ही आसानी से लुविकवाई के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद व्हाइट ड्रैगन पीछे हट जाता है और लुविकवाई व्हाइट ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन व्हाइट ड्रैगन अपने शील्ड की मदद से लुविकवाई के हर अटैक को डॉज कर लेता है और लगातार अटैक करने की वजह से लुविकवाई काफी ज्यादा थक जाता है और काफी वीक हो जाता है, जिसके बाद मिस लीना उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है और वो व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन से कहती है कि मेरे होते हुए तुम लुविकवाई को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। तो लुविकवाई मिस लीना से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, तो मिस लीना लुविकवाई से कहती है कि मेरी चिंता मत करो और देखो मैं इन्हें कैसे हराती हूँ। तो व्हाइट ड्रैगन मिस लीना को देखते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारी रियल की अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी तुम देखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारी इंजरी को ठीक होने में कम से कम अभी एक महीना और लगेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम हमारे साथ फाइट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। मिस लीना को अकेला देखकर नियान भी आगे आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी मिस लीना की ओर से फाइट करूंगा, और वो ऐसा कहते ही अपनी सॉर्ड लेकर व्हाइट क्रेन की ओर बढ़ता है और वो कहता है कि मैं एक लड़की को दो लोगों के साथ अकेले फाइट करते हुए नहीं देख सकता। अब जैसे ही नियान व्हाइट क्रेन पर अटैक करने वाला होता है तो व्हाइट क्रेन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने रियल फॉर्म में ही नियान के साथ फाइट करने लगता है। नियान व्हाइट क्रेन पर अपनी सॉर्ड के साथ अटैक करता है, लेकिन व्हाइट क्रेन बहुत ही आसानी से नियान के अटैक को रोक लेता है और वो नियान को किक मारने वाला था, लेकिन तभी डायु बीच में आ जाती है और वो नियान को साइड करके व्हाइट क्रेन के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन व्हाइट क्रेन उसको बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बाद व्हाइट क्रेन हंसता है और उड़ते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस लड़की में तो इस शिप में मौजूद बाकी सभी वॉरियर से ज्यादा हिम्मत है, लगता है ये लड़की मू फैमिली की गार्डियन डेड सर्वेंट है जो मरते दम तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ती। इसके बाद व्हाइट ड्रैगन डायु से कहता है, क्या ये सच में तुम्हारा मालिक होने के लायक है? ये कितने अफसोस की बात है, मू फैमिली का यंग मास्टर आज अपनी ही बोट पर मरने वाला है, जब ये अपनी ही जान नहीं बचा सकता तो तुम्हारी जान कैसे बचाएगा? व्हाइट ड्रैगन की बातें सुनकर नारो भी गुस्से में आ जाती है और वो व्हाइट ड्रैगन से कहती है कि फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत है तो हमारे साथ फाइट करो। इसके बाद हम शिप के मैनेजर को देखते हैं जो कि सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से मास्टर न्यूआन की रक्षा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुमी व्हाइट ड्रैगन के साथ फाइट करने लगती है और बाकी गार्ड भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन नारुमी के अटैक को डॉज कर लेता है और जैसे ही नारुमी उस पर दोबारा अटैक करती है तो वो अपने घुटने से नारुमी के सीने पे बहुत जोर से किक करता है, जिसकी वजह से नारुमी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और नारुमी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी गार्ड व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी गार्ड्स को हरा रहे थे, और तभी व्हाइट ड्रैगन वहाँ पर अपनी थंडर पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो एक साथ सभी गार्ड्स को हरा देता है और इस अटैक की वजह से न्यूआन और मैनेजर भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद व्हाइट ड्रैगन फिर से लुविकवाई की ओर देखता है और लुविकवाई अभी भी काफी ज्यादा वीक था और मिस लीना उसको संभाल रही थी। इसके बाद व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन दोनों लुविकवाई की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी मिस लीना अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करके उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उसके अटैक से बच जाते हैं और वो मिस लीना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद व्हाइट ड्रैगन मिस लीना से कहता है कि कोऑपरेट करो और हमारे साथ सांगली टेंपल चलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम तुम्हें वहाँ से निकाल लाएंगे, लेकिन अगर फिर भी तुम हमसे फाइट करने के लिए अपनी सॉर्ड को मयान से बाहर निकालती हो तो सांगली टियांडाओ से केवल तुम्हारी लाश ही बाहर आएगी, चॉइस तुम्हारी है। तो मिस लीना कहती है, तुम किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, और वैसे भी मैं हमेशा से केवल एक ही रास्ते पर चलती हूँ और मैं उस रास्ते को बार बार नहीं बदलती। और ऐसा कहते ही मिस लीना अपनी सॉर्ड को मयान से बाहर निकाल लेती हैं और वो व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन पर अपनी सॉर्ड टेक्निक के साथ अटैक करती हैं। तभी व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो लोग मिस लीना के अटैक से इंजर्ड हो चुके थे और वो लोग मिस लीना के अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। इसके बाद मिस लीना वाटर ब्लेड नाम की सॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनके चारों ओर एक पानी की लेयर बन जाती है और समुद्र का पानी भी उनकी सॉर्ड के अंदर आने लगता है। इस अटैक को देखकर व्हाइट ड्रैगन काफी हैरान होते हुए व्हाइट क्रेन को बताता है कि मैंने ये अटैक कुछ सालों पहले देखा था, इसका नाम वाटर ब्लेड है और इसका सॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं आज फिर से इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। इसके बाद मिस लीना व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन पर अटैक कर देती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।
我曾有幸见过一次赤水剑影，你们一起上吧。 编辑卡的，接我这一剑如何？男人还没死呢，哪能让姑娘动手？ 所得骑士，当辟。小心！ 请赐教。